नमस्कार, वेलकम टू संजूस होम किचन। आज हम बनाने वाले हैं पालक प्याज की पराठे। इसके लिए यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा लिया है, कुछ पालक को बारीक काट के रखा है, प्याज को भी मैंने बारीक काट के रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन लिया है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, ग्रीन चिली, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, सरसों का तेल और आटा गूंथने के लिए हमें थोड़ा सा पानी जरूरत है। सबसे पहले हम आटा में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये ग्रीन चिली डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, कस्तूरी मेथी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और ये पालक डाल देंगे। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सारे चीज आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको थोड़ा साइड में रख देंगे। अब हम एक स्पून में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर जब गर्म हो जाएगा, कटा हुआ लहसुन को इसमें डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसको आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अबे हमारा आटा अच्छे से गूंथ गया है। अब हम इस पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के और 1 से 2 मिनट तक गूंथ लेंगे। अब ये आटा को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, ये देखिए। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के एक साइड में रख देंगे। अब ये हमारा 15 मिनट हो गया है। अब हम आटा को थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए और ऐसे गूंथ लेंगे। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस आटा का लोई बना लिए हैं। ये जो लोई है, रोटी वाले लोई से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम सूखा आटा डाल के इसको हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलेंगे, ना इसको ज्यादा पतला रखेंगे ना हम इसको ज्यादा मोटा रखेंगे। अब हम गैस में तवा गरम कर देंगे। अब ये तवा गरम हो गया है। अब हम रोटी को डाल देंगे। अब हम इसको पलट देते हैं। मीडियम फ्लेम में इसे रोटी को दोनों साइड से हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। और उसको अच्छे से दोनों साइड से पका लेंगे। ये मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको रिफाइंड ऑयल, बटर या माखन किसी में भी बना सकते हो। अब ये दोनों साइड अच्छे से हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो लोइयां बची है उसको हम और बना लेंगे।
अबे हमारा पालक प्याज पराठा बनके तैयार है। मैं इसको चटनी प्लेन दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपने पसंदीदार कोई भी सब्जी के साथ इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में।